ये समस्या आम है प्रेम का, रिलेशन में, संबंधों में, रिश्तों में ये समस्या बहुत आम है। इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इसे कैसे सुव्यवस्थित किया जा सकता है, आज उसी बारे में बात कर रहा हूँ। आप उसे पाने के लिए लालायित बैठे हो, कोई व्यक्ति आपको देखना तक नहीं चाहता और आप उसके दीदार करने के लिए बिल्कुल लालायित बैठे हो। कोई इंसान आपसे बहुत झगड़ा करता है और आप प्रेम की उम्मीद करते हैं। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा जीरा, हाहा खाने वाला थोड़ा सा जीरा आपके अपने मन का बन सकता है हीरा, या तुम्हारे मन का जो हीरा है उसे दिलाने के लिए बहुत कारगर है जीरा। जानिए पूरा विश्लेषण। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य सतीश। तो आज मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा एक चम्मच जीरा आपके अपने जीवन को चेंज कर सकता है। मैं कह रहा हूँ एक चम्मच जीरा आपके मन का हीरा बन सकता है। आज जीरे को क्यों लिया गया है, जीरा ऐसी क्या चीज करता है, तो पाक शास्त्री जीरे को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखते हैं और हाँ आयुर्वेद में इसका बड़ा मान स्थान है। पाचन तंत्र के लिए, लीवर को अच्छा करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए जीरा बड़ा काम करता है। ऐसे ही आपके लव लाइफ को स्वस्थ रखने के लिए, लव लाइफ में पाचन तंत्र ठीक हो जाए उसके लिए जीरा कैसे काम आएगा, आज उस पर पूरा विश्लेषण है। मजबूत बनाना, स्पेशल बनाना, कीमती बनाना, सुंदर बनाना और बहुत खास करना, ये इस पाठशाला में, इस कक्षा में, इस एजुकेशन सेंटर में अपने जीवन में प्यार भर कर सकते और ये बहुत, इसलिए आप सबका बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद के सीज को आप रेगुलर कर रहे हैं। आज मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा जीरा आपके रंग को ठीक कर सकता है। जीरा एक्चुअली तंत्र का बहुत महत्वपूर्ण साबन है। जीरा पाकशास्त्रियों के लिए, किचन के लिए बहुत महत्वपूर्ण सामग्री है, पाचन तंत्र के लिए दीपक के लिए बहुत महत्वपूर्ण सामग्री है, ब्लड के लिए, हार्ट ब्रेक के लिए, लीवर को स्वस्थ रखने के लिए, आपको और गोरा होने के लिए, आपको सुंदर बनने के लिए, खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए कितनी ही जगहों में जीरा काम आता है। आज मैं कह रहा हूँ कि वही जीरा आपके तेल बैंक में बहुत था और हाँ एक्चुअली ये गंधर्व होता था, कथाओं में होता है कि गंधर्व था जिसमें कुछ श्राप से वो औषधि को सामग्री या और जब वो गंधर्व होता था तो उसके जीवन में प्यार सबसे महत्वपूर्ण अंग होता था, पर पूरे की पूरी दुनिया में जीरा से कभी भी किसी ने प्यार को समझा। उदाहरण में बहुत सारे आए, वो का जीरा और देखो जीरे को प्यार के वो स्त्रोक जाते हैं, वहाँ साफ साफ जहाँ से वो पता चलता कि वो गर्भ था, जहाँ से पता चलता कि वो शाख की से वो विश्वामित्री एक खबा के लिए, या वहीं से ये पता चलता है कि ये एक ऐसी प्रेम और संबंधों और रिश्तों के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ मान्यताएं थोड़ी भिन्न है। हम राधा कृष्ण की पूजा तो करेंगे लेकिन राधा ने सुना हम वो सब कुछ करना चाहते हैं। भगवान ये जो कहा पर अपने बाहर भगवान राम को प्रणाम करते हैं, कौन चाहता है सगा पुत्र 14 वर्ष, ऐसी कितनी है चीज। तो हमारे यहाँ मान्यताएं और संस्कार कुछ इस ढंग के हैं कि हम ऐसी चीजों को गुप्त रूप से छुपा कर रखते ताकि कोई उसका गलत उपयोग न करे, और ऐसा गुप्त कर दिया कि वो कभी खुला ही नहीं। आज अब क्या करना है आपको, आपको करना ये है कि हरे कलर के कपड़े में, ग्रीन कलर के कपड़े में एक चम्मच जीरा बांधकर अपनी ऊपर वाली पॉकेट में रखें और या तो अपने गुप्तांग के पास में कुछ देर रखें। अब दोनों का भाव अलग है, अगर ऐसा भाव है कि कोई झुके नहीं तो वो सकारात्मक पत्र रखना जो सच में सच में अपने साथ कुछ देर तक रखना है, और उसके बाद क्या करना, उसके बाद एक
जल के पात्र में उसे रात भर के लिए डुबा दिया। जिस प्रकार से पृथ्वी को आसमान भिगोता है, आप उस प्रकार से उस भावना से रात उसके बाद एक अच्छे जगह पानी डाल दे और जो आपकी पोटली है उस पोटली को बहते हुए जल में डुबा कर दे। दो अलग अलग काम, जो जल है उसे कच्ची जमीन में डाल दे, क्यों? ताकि वो सोख जाए पूरा का पूरा जमीन, और उस पोटली को जो आप है उसको बहते हुए जल। सब चीज देखना, तुम्हारे सरोवर में, तुम्हारे प्यार रूपी सरोवर में क्या लहरें बढ़ेंगी, किस प्रकार से स्वीकृति आपके तरफ से, लेकिन सामने वाले से भी आएगी, सामने से कैसा एक्सेप्टेंस तुम्हें दिखाई पड़ेगा और कितना अद्भुत प्रेम का आभास होगा आपको। पूरे मन के साथ रहिएगा, पूरा दिल से रहिएगा, पूरा प्रयत्न करिएगा, अगर उनसे लोग आदेश होना कार्य बहुत अच्छा होगा।